हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। हमारा चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला चल रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब एक सेंटेंस रहेगा जिसको एक शब्द में उसका आंसर देना होता है। ठीक है, ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये वाले सेंटेंस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे SSC हो, चाहे PSC हो, चाहे TET एग्जाम हो, और अगर कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं तो उसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है उस पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक दो या तीन क्वेश्चन कंपल्सरी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने फोबिया वाले 15 वर्ड से कंप्लीट किए थे, और फोबिया क्या है, एक रूट वर्ड है जिसके द्वारा हमने ढेर सारे 15 वर्ड से फोबिया के कंप्लीट किए। और आज के वीडियो में मैं मेनिया रूट वर्ड लेकर आया हूं। मेनिया का मतलब होता है शनक या पागलपन। मेनिया का मतलब क्या होता है, शनक या पागलपन, मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की शनक बन जाना, पागलपन या जुनून सवार हो जाना, उसको बोलते हैं मेनिया। जैसा कि मैंने फोबिया के आपको जितने भी वर्ड सिखाए थे वो सारे के सारे न्यूमोनिक्स से सहायता से कंप्लीट करवाए थे। न्यूमोनिक्स क्या होता है, एक ऐसी ट्रिक होती है जिसमें वर्ड के अंदर से जिस वर्ड को हम याद कर रहे हैं उसी वर्ड के अंदर से एक ट्रिक ढूंढेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से उसको याद करेंगे। और आज हम मेनिया वाले वर्ड लेकर आए हैं, तो मेनिया के कम से कम हम इंपोर्टेंट 15 वर्ड्स कंप्लीट करने वाले हैं। आज के वीडियो में केवल 10 वर्ड ही कंप्लीट करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें हमने अभी तक 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेनिया वाले कंप्लीट कर लिए हैं। आज की सीरीज में हम 31 से लाकर 40 तक कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी ना किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके इन सारे वर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहला है जिम्नोमेनिया। जिम्नोमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर नेकनेस, नेकनेस, क्रेजी फॉर नेकनेस, नंगेपन का शौक रखने वाला, उसको बोलते हैं नेकनेस। आपने देखा होगा आजकल क्या बोलते हैं बॉलीवुड में, है ना, क्रेज चल रहा है कम कपड़े पहनने का, है ना। तो ये क्या है, ये एक पागलपन है। क्या है, पागलपन है, जिसको बोलते हैं जिम्नोमेनिया, है ना, जिम्नोमेनिया, इसको बोलते हैं क्रेजी फॉर नेकनेस। ठीक है, अच्छा इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जिनोमेनिया पढ़ा था। जिनोमेनिया का मतलब क्या बताया था, जो क्रेजी फॉर वुमेन, जो औरत के लिए पागल हो जाए उसको बोलते हैं जिनोमेनिया। लेकिन यहाँ पर जिम्नोमेनिया, जिनो और जिम्नो में अंतर है, एक स्पेलिंग का अंतर है, यहाँ पर एम आ रहा है उसमें एम नहीं आ रहा, उसमें जिनोमेनिया, इसमें जिम्नोमेनिया, है ना। तो जिम्नोमेनिया का मतलब क्रेजी फॉर नेकनेस, नेकनेस, नंगापन। नेक्स्ट वर्ड है हिप्पोमेनिया। हिप्पो, हिप्पो का साउंड हॉर्स से ले देंगे, है ना, हिप्पो मतलब हॉर्स। ठीक है, हिप्पो जब भी आया तो हॉर्स की बात होती है, हॉर्स मतलब घोड़े की बात होती है, क्रेजी फॉर हॉर्स, घोड़ा। तो जो घोड़ा, जो घोड़ा पालने का शौक रखता हो, जो घोड़े के लिए पागल हो, उसको बोलते हैं हिप्पो मेनिया। तो हिप्पो रिलेट कर रहा है हॉर्स से। ठीक है, तो जब भी हिप्पो आए तो हम हॉर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइडोमेनिया, क्रेजी फॉर मर्डर। मर्डर तो आप जानते हो, मर्डर कर देते हैं कोई, मनी के लिए मर्डर कर रहा है तो किसी और चीज के लिए मर्डर हो जाते हैं, है ना, खत्म कर देते हैं, गला काट देते हैं, उसको बोलते हैं मर्डर, होमिसाइडोमेनिया। देखो देखो, साइड जब चीज आए ना, जैसे सुसाइड, आपने पढ़ा था सुसाइड, जहां पर साइड वर्ड लिखा है वहां पर मारने काटने की बात होती है। पिता को मार दे, माता को मार दे, भाई को मार दे, बहन को मार दे, दोस्तों को मार दे, है ना। इसके बारे में अपने ये साइड वाले जितने भी वर्ड है ना, एक दिन इसका वीडियो बनाएंगे जिसमें साइड वाले वर्ड ही हम पूरा कंप्लीट करेंगे। बहन को मार देने को क्या कहते हैं, भाई को मार देने को क्या कहते हैं, दोस्तों को मार देने को क्या कहते हैं, बेटे को मार देने को क्या कहते हैं, है ना। तो इनका भी एक अलग वर्ड है, तो ये सारे वर्ड एक वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ मर्डर की बात कर रहे हैं, होमिसाइडोमेनिया। साइड जब भी आए, जैसे सुसाइड, ऐसे याद रखना, जब भी होमिसाइड मतलब होमिसाइडोमेनिया, क्रेजी फॉर मर्डर, जो मर्डर के लिए पागलपन हो, जो मर्डर के लिए जिसके अंदर पागलपन का भूत सवार हो, उसको बोलते हैं होमिसाइडोमेनिया। हाइड्रोमेनिया, क्रेजी फॉर वाटर, जो वाटर पानी के लिए क्रेजी हो जाए, इसको हमने हाइड्रोफोबिया में भी पढ़ा था, कुछ याद आ रहा, हाइड्रोफोबिया, है ना, फियर ऑफ वाटर, जो पानी से डरता हो, हाइड्रो। अब देखो हाइड्रो पानी में क्या आती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रो, हाइड्रो से लगाएंगे हाइड्रोजन, है ना, जल का सूत्र H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। तो हाइड्रो का रिलेट, हाइड्रो को रिलेट करेंगे हाइड्रोजन से, तो जब भी हाइड्रो की बात होगी तो पानी की बात हो रही है। यहाँ पर क्रेजी है मतलब मेनिया लिखा हुआ है, मेनिया लिखा हुआ मतलब पागलपन लिखा हुआ है, तो क्रेजी फॉर वाटर, जो पानी के लिए पागल हो जाए, उसको बोलते हैं हाइड्रोमेनिया।
और जिसको पानी से डर लगे उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्रेजी फॉर स्टीलिंग, स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना। स्टीलिंग का मतलब क्या होता है? चोरी करना। जो चोरी करने के लिए, जो चोरी करने का शौक रखता हो, जो चोरी करने के लिए जिसके अंदर पागलपन हो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। अब बड़ा आसान है इसको याद रखना। देखो लेप्टो, लेप्टो का साउंड किस तरह आपके सारा लैपटॉप जैसा आ रहा, लैपटॉप है ना, लैपटॉप। अब लैपटॉप की क्या की जाती है? चोरी की जाती है। कोई मोबाइल चुरा लेता है तो कोई लैपटॉप चुरा लेता है ना। अब देखिए लैपटॉप, चोर लैपटॉप चुराने आएगा है ना, लेकिन उसने कर क्या दिया? क्लेप। जानता है कर दी क्लेप, ताली बजा दी। क्लेप मतलब ताली बजा दी। तो इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। अब क्लेप ताली बजा दी, ताली बजा दी तो आसपास मोहल्ले वाले उठाए, लैपटॉप चोरी करने वाला मुझको क्या है? इसका इसको याद रख सकते हैं। क्रेजी फॉर स्टीलिंग। नेक्स्ट वर्ड है लोगोमेनिया। क्रेजी फॉर टॉकिंग, बात करने का भूत सवार होना। टॉकिंग, टॉकिंग क्या था? बात करना था। टॉक मींस होता है बात करना। कैसे याद रखोगे? लोगोमेनिया, इसको लोगो बोलते हैं। लोगो को देखा आपने, चबूतरे पे बैठे रहते, कोई पत्ती खेल खेलता, कोई वहां पर खालतू खड़े हैं और फटकार रहे, कोई वो बात फटका रहा, कोई तरह तरह की बात फटका रहे, झाड़ रहे हैं, तरह तरह की बातें। तो वो क्या कर रहे? टॉकिंग तो कर रहे, बात कर रहे ना। तो लोगों को आपने चौराहे के ऊपर बात करते हुए देखा होगा है ना। तो लोग क्या करते हैं? इसके लिए पागल हो जाते हैं, टॉकिंग के लिए पागल हो जाते हैं ना, क्रेजी फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए। तो इस टाइप से याद रखिए, लोगो मतलब लोग, लोगो मतलब लोग, और मेनिया का मतलब पागल। पर लोग बात करने के लिए पागल हो जाते हैं, उनके अंदर पागलपन का भूत सवार हो जाता है। इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। मेग्रोमेनिया, क्रेजी फॉर बिकमिंग लार्जर। लार्जर का मतलब होता बड़ा। लार्जर मीन्स क्या होता है? बड़ा, बड़े होने का पागलपन होना। तो बड़ा का मतलब किस टाइप से बड़ा होना? या तो पैसे में बड़ा होना है, खूब पैसा होना चाहिए तो बड़ा बन जाता व्यक्ति, ठीक है। दौलत या फिर शोहरत में बड़ा होना, मान सम्मान में बड़ा होना चाहता है ना। तो बड़ा किसी भी टाइप से हो सकता हो, तो उसको बोलते हैं क्रेजी फॉर बिकमिंग लार्जर, बड़ा होने का पागलपन होना, उसको कहते हैं मेग्रोमेनिया। क्या कहते हैं उसको? मेग्रोमेनिया। अब देखिए यहाँ पर मेग्रो जब भी आया तो मेग्रो मतलब बड़ा होता है, एक माइक्रो होता है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है और मेग्रो का मतलब बड़ा होता है। तो मेग्रो का मतलब लिखा हो, जब भी मेग्रो लिखा है समझना बड़ा, किसी वर्ड में मेग्रो लिखा है तो समझना बड़ा होने की बात होती है, ठीक है। और माइक्रो लिखा हो तो छोटा होने की बात होती है। तो मेग्रो मतलब बड़ा और मेनिया मतलब पागल है ना, तो बड़ा होने का पागल बन, क्रेजी फॉर बिकमिंग लार्जर, इस टाइप से वर्ड को याद रखा जा सकता। मेलोमेनिया, मेलो और मेनिया, क्रेजी फॉर म्यूजिक, क्रेजी फॉर म्यूजिक है ना। तो म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए जो पागल होता है, संगीत के लिए जो पागल हो जाता है उसको बोलते हैं मेलोमेनिया। देखते हैं आपने, देखा होगा आपने, लोगों को संगीत का बहुत शौक होता है, सबको अपना अपना शौक होता है, सबको अपनी अपनी हॉबी होती है। किसी को प्लेइंग करने का शौक होता है, किसी को रनिंग का शौक होता है, किसी को राइटिंग का शौक होता है, तो किसी को रीडिंग का शौक होता है, किसी को म्यूजिक का होता है है। तो म्यूजिक, जिसको म्यूजिक का शौक हो उसको बोलते हैं मेलोमेनिया। इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आपके पास कोई ट्रिक हो तो जरूर बताएं मुझे, ठीक है। मेलोमेनिया। चलिए माइक्रोमेनिया, क्रेजी फॉर बिकमिंग स्मॉलर। देखो यहां पर लार्जर की बात हो रही है, लार्जर बड़ा, स्मॉलर यानी छोटा, स्मॉलर यानी छोटा। देखो माइक्रो लिखा है, क्या लिखा है? माइक्रो। तो माइक्रोमेनिया का मतलब है क्रेजी फॉर बिकमिंग स्मॉलर, ठीक है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने आपको बता दिया मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। म्यूजिकोमेनिया, क्रेजी फॉर म्यूजिक, जो म्यूजिक के लिए क्रेजी होता है उसको बोलते हैं म्यूजिकोमेनिया है ना। तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर म्यूजिक को लिखा हुआ है म्यूजिक, और मेनिया आप जानते हो पागल, ठीक है। तो इस टाइप से हम सारे वर्ड को अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स की सहायता से हम किसी भी डिफिकल्ट वर्ड को बड़े ईजी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको अब मिटा देता हूँ, इसके बाद में हम इसको रिविजन करते हैं, देखते हैं हम कितने वर्ड याद हैं। तो हमने यहाँ पर क्लीन कर दिया है, अब देखते हैं हम जिम्नोमेनिया। जिम्नोमेनिया है ना, तो जिम्नोमेनिया का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने एक तो जिनोमेनिया बताया था, जो जिनोमेनिया का मतलब जो क्रेजी फॉर वुमेन के लिए जिनोमेनिया, और यहाँ पर जिम्नोमेनिया एम लगा हुआ, इस टाइप से याद रख सकते हैं इसको। यहाँ पर नेग्ड, क्रेजी फॉर नेग्ड, नंगापन का पागल, नंगेपन के लिए पागलपन होना है ना। हिप्पो, मैंने हिप्पो का साउंड मैंने हॉर्से से लगाया था, तो हिप्पो जब भी आया तो हॉर्सी की बात होती है, हिप्पो मैंने माना क्रेजी फॉर हॉर्स। होमिसाइडोमेनिया, होमिसाइड, साइड का मतलब सुसाइड से लगाया था, तो सुसाइड
या साइड है ना, जब भी मर्डर की बात होती है तो साइड आता है उसमें, तो मम्मी साइडोमेनिया मतलब मर्डर, क्रेजी फॉर मर्डर। हाइड्रोमेनिया हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाटर में होती है ना, तो जो क्रेजी होता है वाटर के लिए उसको बोलते हैं हाइड्रोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो का साउंड लैपटॉप से आ रहा, लैपटॉप को चोरी करने के लिए लोग घर में घुस जाते हैं और फिर जो जो लैपटॉप का मालिक है वो जागता है, वो क्या बजा देता है, क्लेप बजा देता है, ताली बजा देता है और मोहल्ले वाले जाग जाते हैं और वो फरार हो जाता है, तो क्लेप्टोमेनिया। लोगों मैंने लोगों को देखा हुआ आपने चबूतरे के ऊपर जगह जगह खड़े रहते हैं और टॉकिंग करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो जो क्रेजी होता है टॉकिंग के लिए उसको बोलते हैं लोगोमेनिया। मैक्रोमेनिया, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, जब भी मैक्रो लिखा तो बड़े बड़ा होने की बात होती है, तो मैक्रोमेनिया मतलब किसी चीज के लिए बड़े होने का पागलपन। मेलोमेनिया, मेलोमेनिया का मेरे पास कोई ट्रिक नहीं, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो जरूर बताएं मेलोमेनिया, ठीक है, और इसकी मैंने ट्रिक नहीं बताई तो शायद ही आपको ये वर्ड याद रहा होगा। बताइए मेलोमेनिया का मतलब क्या होता है, नहीं रहा याद आपको क्योंकि मेरे से कोई ट्रिक नहीं बताई, अगर ट्रिक बताता तो आप बता देते। म्यूजिक होता है मेलोमेनिया का मतलब क्रेजी फॉर म्यूजिक, वेरी गुड, आपने अच्छा याद करने की कोशिश की है, ठीक। अगला देखिए माइक्रोमेनिया, माइक्रोमेनिया का मतलब माइक्रो मतलब छोटा होता, तो छोटा होने की बात होती है वहां पर होता है माइक्रोमेनिया, क्रेजी फॉर हम 41 से लगातार 50 तक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।